भाजपा जिला उपाध्यक्ष की पत्नी, गुनौर नगर परिषद की पार्षद के साथ लाखों की ठगी। पेटीएम के कर्मचारी ने निकाले राशि त्रिपाठी के खाते से 1,36,000 रुपए। पन्ना के भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी की पत्नी, गुनौर परिषद की पार्षद राशि त्रिपाठी के खाते से पेटीएम के कर्मचारी ने लाखों की ठगी की और लगातार 8 माह से पैसे निकालकर खर्च करता रहा है। यूनियन बैंक प्रबंधन की लापरवाही भी देखने को मिली है। खाताधारक के बिना आवेदक के ही एटीएम इशू हुआ है, जिससे खाते से यूपीआई बनाकर लगातार पैसे निकालते रहा। फरियादी सुशील त्रिपाठी ने पुलिस को जानकारी दी कि पासबुक की एंट्री के बाद जानकारी लगी कि मेरे यूनियन बैंक में पत्नी के खाते से लगातार पैसे निकल रहे हैं। बैंक प्रबंधन से पूछने पर यह जवाब मिला कि एटीएम इशू करवाकर यूपीआई बनाकर पैसे का ट्रांसफर किया गया है। वही एटीएम बनवाने का फरियादी द्वारा न आवेदन दिया, बल्कि जो मोबाइल नंबर खाते में दर्ज था उसे भी आवेदन देकर 14 वर्ष पहले अलग करवा दिया गया था। जिसके बाद पन्ना पुलिस में पन्ना कोतवाली थाना प्रभारी रोहित मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम का गठन कर इंदौर भेजा, जहां पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और पूछताछ की, जिससे पता चला कि महिला खाताधारक राजश्री त्रिपाठी के खाते में पहले जुड़ा नंबर बंद होने के बाद दूसरे व्यक्ति देवेंद्र पाटीदार निवासी सरोज देवास को अलर्ट हो गया था और पैसे के लेन देन के मैसेज आने लगे, जिससे शातिर देवेंद्र भी पेटीएम कंपनी इंदौर में काम करता था, जिसके बाद उसने ऑनलाइन नवंबर 2023 में एटीएम इशू करने का आवेदन किया और एटीएम इशू हुआ पर एटीएम नहीं लिया। मैसेज में आए 4 अंकों से और 2 अंक अंदर से जोड़कर यूपीआई फोन पे बनाकर लगातार पैसे का अर्हण करता रहा। पुलिस ने ठगी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है।